हेलो दोस्तों, आज मैंने मंगाया है रोड का वायरलेस मी। ये मैंने फोटो सेंटर मुंबई से मंगाया है। करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये देखिए, ये वायरलेस मी ग्रेट ऑडियो एवरी टाइम, टू वे इंटरव्यूज, वर्क्स विथ कैमरा एंड स्मार्टफोन, फ्री रोड वीडियो एंड ऑडियो एप्स। ये मुझे पड़ा है 12,900 में विथ कुरियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के टेक। आउट ऑफ द बॉक्स ये मिला है हमें। दो माइक है, रिसीवर और ट्रांसमीटर, दो फरी शील्ड है, ये चार केबल है, 1 2 3 4। ये है कैरी केस पाउच। तो ये अभी देखते हैं रिसीवर और ट्रांसमीटर के बारे में। रिसीवर पे जो है ये एलईडी लाइट्स इंडिकेटर है, एक ये माइक है, ऑन ऑफ स्विच है, टाइप सी सॉकेट है, और ये 3.5 mm TRS जैक है। और ट्रांसमीटर पे जो है सेम एलईडी इंडिकेटर्स लाइट है, टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, ऑन ऑफ स्विच है, एक माइक है और एक एक्सटर्नल माइक का कनेक्शन है 3.5 mm। पहली बार ये रोड वायरलेस मी में ये रिसीवर में माइक दिया गया है, इसलिए इसे रोड वायरलेस मी बोलते हैं। और ये टाइप सी जो पोर्ट है, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं और रोड सेंट्रल ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है 3.5 mm जैक है, यहाँ से आप ऑडियो भी सुन सकते हैं और कैमरा, DSLR, एक्शन कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्लिप है काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। ये आप कोल्ड शू माउंट में डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये साइज़ ऐसा दिया है कि डायरेक्ट कोल्ड शू माउंट में चला जाएगा। LED इंडिकेटर से RX में एक तो है बैटरी के लिए, दूसरा है पेयरिंग के लिए। अगर पेयर हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और बैटरी डाउन हो गई तो ये LED रेड हो जाएगी। इसको आप रोड सेंट्रल ऐप से बंद भी कर सकते हैं, इस माइक को, RX को। जैसे ही RX माइक को रोड सेंट्रल ऐप से आप बंद करेंगे तो ये LED एम्बर हो जाएगी। इसका मतलब ये माइक बंद हो गया है। अगर ये भी माइक चालू रहेगा तो ये LED ग्रीन हो जाएगी, ये दोनों ग्रीन जलेगी। इसमें जो LED है ट्रांसमीटर में, एक बैटरी के लिए है और एक पेयरिंग के लिए है। बैटरी लो हो जाएगी तो ये रेड हो जाएगी, तो आपको पता चल जाए कि अब चार्जिंग करना ज़रूरी है। और ये पेयरिंग के लिए है, ये ग्रीन हो जाएगी। इसमें भी एक माइक कनेक्शन है, ये वाला एक्स्ट्रा माइक के लिए। आपको ये माइक नहीं चाहिए तो इसमें माइक लगा सकते हैं। इसमें भी वही सेम है, और यहाँ दिखा हुआ है मेड इन ऑस्ट्रेलिया, 5 वोल्ट, 0.3 एम्पेयर। सेम वही आपको रिसीवर में भी लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, तो इसका वेट है 35 ग्राम्स सिंगल पीस का, दोनों का 35 ग्राम्स, 35 ग्राम्स इसका, 35 ग्राम्स इसका। और इसके साथ जो केबल्स आती हैं, ये लाइटनिंग टू टाइप सी है, ये आपके आईफोन के लिए है। दूसरी जो है टाइप सी टू टाइप सी, ये कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें टाइप सी है उसके लिए है और चार्जिंग के लिए है। और ये जो है तीसरी केबल TRS टू TRRS, ये आपके मोबाइल फ़ोन के लिए है जिसमें हेडफोन सॉकेट हो। और ये चौथी जो केबल है TRS टू TRS, ये आपका कोई भी कैमरे के लिए, DSLR के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दो फारी विंडशील्ड से, ये लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे डेड कैट भी बोलते हैं। इसमें दो स्पॉट्स दिए हुए हैं, इसके साथ मैच करके इसे क्लॉकवाइज घुमा देना है इस तरह से, तो भी विंड का साउंड आपको ज़्यादा नहीं आएगा इससे। ऐसे भी इसमें भी ऐसे ही है, सेम तरीके से लगाना है। और ये कैरी केस दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप दोनों ट्रांसमीटर और कोई एक दो चार वायर भी इसमें डाल सकते हैं। कैरी केस है, कैरी पाउच है, बढ़िया क्वालिटी है। और फ्रेंड्स, इसमें एक नया फंक्शन दिया गया है गेन असिस्ट करके।
ये आप रोड सेंट्रल ऐप में जाके उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपके ऑडियो लेवल्स मेंटेन करता है, रिसीवर के भी और ट्रांसमीटर के भी। उसमें आपको तीन सेटिंग्स मिलती हैं, एक है ऑटो, दूसरा डायनामिक, तीसरा ऑफ। आप डायनामिक में रखेंगे क्लोज रूम एनवायरनमेंट में तो अच्छा रहेगा। आप ऑटो भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। और इसकी जो रेंज है 100 मीटर्स रेंज है, 100 मीटर्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। रोड वायरलेस टू गो में वो 200 मीटर है, मुझे नहीं लगता 200 मीटर की रिक्वायरमेंट है, 100 मीटर्स तो काफ़ी हो गया। और इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सारी केबल्स और जो भी ज़रूरी है सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जबकि रोड वायरलेस गो टू में आपको परचेस करनी पड़ती है केबल्स। हाँ, तो ये जो RX है ये आप दूसरे किसी रोड वायरलेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस गो टू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस मी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो आपके पास समझो तीन माइक हो जाएंगे, एक रिसीवर पे होगा और दो ट्रांसमीटर पे हो गए। चाहे आप वो रोड वायरलेस गो का यूज़ कीजिए या रोड वायरलेस मी का यूज़ कीजिए, आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे इसके साथ। इसके साथ जो ऑलरेडी आता है ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही रहता है इसके साथ, और एक लेके आप उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों पेयर्ड आते हैं, जैसे ही आप ऑन करेंगे ये कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोनों कनेक्टेड है। आउट ऑफ द बॉक्स ये पेयर्ड आते हैं, अगर पेयर नहीं भी हो तो आप रोड सेंट्रल ऐप में जाके इसे पेयर कर सकते हैं। अभी जो आप साउंड क्वालिटी इसके बाद सुनने वाले हैं ये आपको रोड वायरलेस मी से सुनाई देगा। हाँ, तो दोस्तों अभी जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं ये रोड वायरलेस मी के थ्रू है। आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा इंडोर और आउटडोर दोनों का साउंड क्वालिटी और 100 मीटर जो रेंज है उसका टेस्ट करके बताऊंगा। इसका जो बैटरी बैकअप है वो 7 आवर्स कंपनी ने लिख के दिया है, लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया था 7.5 घंटा मेरा कंटिन्यूस चला, तो एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है इसने। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका साउंड क्वालिटी आउटडोर और इंडोर 100 मीटर की रेंज का टेस्ट करेंगे, और आपको इसकी ऐप के बारे में बताऊंगा, रोड सेंट्रल ऐप के बारे में, उसकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में, और आपको अलग अलग मोबाइल्स और कैमरा से ये कनेक्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Thank you for watching.